हाय गाइस, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मनीषा और कृषा में। तो गाइस, आज मैं आपको हेयर स्पा के बारे में बताऊंगी, जो कि बिल्कुल नेचुरल तरीके से हम घर पे ही करेंगे। हेयर स्पा हमें हर 15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। इससे हमारे बालों को पूरा पोषण मिलता है और बालों की चमक को बनाए रखने के लिए हमें हेयर स्पा जरूर करना चाहिए। तो गाइस, मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में बोलूँगी कि अगर आप हेल्दी हेयर पाना चाहते हैं तो हेयर स्पा जरूर करें। डैमेज, रूखे और बेजान बालों के सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है हेयर स्पा। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप और हमें क्या क्या यूज़ करना है, मैं आपको सब डिटेल्स में दिखाऊंगी और बताऊंगी। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा हेयर मसाज। तो हेयर मसाज के लिए मैंने लिया है कोकोनट ऑयल, मैंने उसको हल्का गुनगुना कर लिया है। और हेयर मसाज करने के लिए आपको सिर्फ दो तेल ही लेना है, एक या तो आप कोकोनट ऑयल लें या दूसरा ऑलिव ऑयल, आपको तीसरा कोई ऑयल नहीं लेना है। तो इसमें मैंने कोकोनट ऑयल लिया है, आप देख सकते हैं मैंने ये कोकोनट ऑयल लिया और मैंने इसको हल्का गुनगुना कर लिया है और मैं इससे अपने बालों को अच्छे से मसाज करूँगी। आपको कम से कम इसे 10 मिनट तक मसाज करना है अपने बालों को इस तरीके से, देख सकते हैं। मैंने ये 2 चम्मच ऑयल लिया है और गुनगुना कर लिया था। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं अपने बालों के लेंथ के हिसाब से। कम से कम इसे 10 मिनट तक अपने बालों को मसाज करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने अपने बालों को अच्छे से मसाज कर लिया है। अब मेरा दूसरा स्टेप है स्टीम, बालों को स्टीम देना। तो स्टीम के लिए मैंने एक पतीले में पानी को अच्छे से बॉईल कर लिया है और उसमें एक टॉवेल को डाल के उसको अच्छे से निचोड़ लेंगे और उसे अपने पूरे बालों को कवर करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने पानी ऑलरेडी गर्म कर लिया है। तो गाइस, मैं अपने बालों के टॉवल को खोल दूँगी। सच पूछिए तो बाल बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस लग रहे हैं मेरे, अच्छा लग रहा है मेरा। देखिए आप, मैं जो हमारा तीसरा स्टेप है यूज़ कर लेते हैं, कर सकते हैं जो आप शैम्पू यूज़ करते होंगे। तो मैं इसको वॉश करके आती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। उसके बाद हम लगाएंगे कंडीशनर, और कंडीशनर भी हमारा नेचुरल होगा। आप अगर चाहें तो कोई भी अच्छा सा कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं अपने बालों पे, लेकिन मैं भी कोई कंडीशनर अपने बालों पे यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैं वो भी नेचुरल तरीके से बनाऊँगी। चाय पत्ती को मैं अच्छे से बॉयल कर दूँगी और फिर उसको छान के उसमें नींबू के कुछ बूंदे डाल के उसको मिक्स करके उसे अपने बालों को धोएंगे, उसी से कंडीशनर करेंगे अपने बालों को। तो इस तरीके से मैं अपने बालों को कंडीशनर करूँगी। अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ अपने बाल को शैम्पू करके आती हूँ, उसके बाद फिर कंडीशनर करेंगे गाइस। तो गाइस, आप देख सकते हैं कंडीशनर बनाने के लिए मैंने ये पतीले में पानी को चढ़ा दिया है। ये 2 ग्लास के अंदाज में पानी लिया है मैंने और इसमें 2 चम्मच में चाय पत्ती डाल दी। अब इसमें बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। जब ये बॉयल हो जाएगा तो इसे उतार के इसमें नींबू का रस मिलाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये पानी बॉयल हो चुका है चाय पत्ती वाला, हम इसे बंद कर दूंगी। चाय पत्ती देख रहे हैं बॉयल हो चुका है, अब मैं इसे छान लूंगी और छानने के बाद इसमें ये लेमन का जूस डाल दूंगी। तो इसमें छान कर आती हूँ। तो मैंने इसे छान लिया है चाय पत्ती को और अब मैं इसमें 1/2 लेमन का जूस शीर्ष निकाल के डाल देंगे, देख सकते हैं। पूरे 1/2 लेमन मैंने निचोड़ दिए। अब इसको अच्छे से मिक्स करके और मैं इसे छोड़ दूंगी ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद ही हम बालों को कंडीशनर करेंगे। कोई भी गर्म चीज़ हमें अपने बालों पर नहीं डालना चाहिए, गर्म ना ही गर्म पानी और ना ही कोई भी चीज़, इससे हमारा बाल बहुत रूखा और डैमेज हो जाता है। वो तब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम अपना हेयर मास्क तैयार करेंगे। तो हेयर मास्क के लिए आपको सबसे पहले एक इस तरह का प्लास्टिक का कंटेनर लेना है और इसमें मैं एक अंडा तोड़ूंगी। आप 2 अंडे भी ले सकते हैं, 1/2 चम्मच हनी। देखिए देख सकते हैं आप, 1 चम्मच हनी और 1/2 चम्मच कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल
देख सकते हैं, आधा चम्मच तो आपको ये स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहले हमने किया हेयर मसाज, उसके बाद बालों का स्टीम, उसके बाद मैंने बालों को शैम्पू किया। शैम्पू करने के बाद मैंने देखा टॉवल को लपेट लिया है और उसके बाद मैं कंडीशनर जा रही हूँ करने। अब कंडीशनर के बाद आपको हेयर मास्क लगाना है, तो इसमें टोटल चार स्टेप्स हैं। तो मैं कंडीशनर करके आती हूँ अपने बालों को, फिर ये हेयर मास्क लगाएंगे। तो गाइस मैंने बालों को कंडीशनर कर लिया है, अब मैं इसे अच्छे से इसे 5 मिनट तक इसे रखूँगी, क्योंकि हमें हल्के गीले बालों में ये मास्क लगाना है, हेयर मास्क। तो इसे मैं 5 मिनट ठहर के लगाऊंगी। गाइस कंडीशनर के बाद से ही मुझे अपने बाल बहुत हल्के महसूस हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सिल्की और बहुत ही अच्छे। आप देख सकते हैं इसमें कितना खूबसूरत साइन आ रहा है मेरे बालों पे। अब मैं इसे मास्क को अपने बालों पर लगाऊंगी। आपको हल्के गीले बालों पर ही मास्क लगाना है, देख सकते हैं ये मास्क है। ये देख सकते हैं अब हेयर मास्क मैंने लगा लिया अपने बालों पे। इसे मैं कम से कम 30 मिनट्स रखना है बालों पे। मैं इसे 30 मिनट्स अपने बालों पे ऐसे ही रखूँगी, उसके बाद फिर शैम्पू कर लेंगे बालों को। तो फिर गाइस मैं आपसे 30 मिनट्स के बाद फिर मिलती हूँ। तो गाइस 30 मिनट्स हो गए हैं, अब मैं अपने बालों को शैम्पू करके आती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं गाइस मैंने हेयर वॉश कर लिया है। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ हमारा हेयर स्पा। आप देखें मेरे बाल अभी गीले हैं, लेकिन ये कितने साइन कर रहे हैं आप देख सकते हैं। आप इसे घर पे जरूर ट्राई करें, यकीन कीजिए आपका बाल बहुत खूबसूरत दिखेगा, बहुत खूबसूरत हो जाएगा गाइस, यकीन कीजिए आप। और अगर आप बालों पे ये जो मैंने मास्क लगाया अंडे से, अगर आपको अंडा पसंद ना हो तो आप अंडे के जगह पे इसमें पका हुआ केला भी यूज़ कर सकते हैं। अंडा की जगह पे अंडा को स्किप करते हैं और पका केला लेके मैश करके हनी और कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके अपने बालों पे हेयर मास्क लगा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तब तक हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।